Dear students, I hope that all of you are doing your study very well at your home. So let us start our today's EBS class, and today we are going to start our chapter number 15, travel. Okay, travel means to go from one place to another, and we use different means of transport to travel and carry our goods from one place to another. Travel का मतलब जो होता है ना, वो क्या होता है, टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह तक जाना ही क्या कहलाता है, ट्रेवल कहलाता है. यानी हम एक जगह से अगर दूसरी जगह तक जाते हैं तो ये हमारा क्या हो जाता है, ट्रेवल होता है. और हम ही केवल एक जगह से दूसरी जगह तक नहीं जाते हैं, हम अपने सामान को भी एक जगह से दूसरी जगह तक अगर कैरी करते हैं तो वो भी क्या कहलाता है, ट्रेवल कहलाता है. ओके, सो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्रेवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एवरी डे. यानी हम पर डे हर दिन ट्रेवल करते हैं, कैसे, एक जगह से दूसरी जगह. सम प्लेसेस आर नियर एंड सम आर फॉर, कुछ जगह ऐसी होती है जो कहाँ होती है, नियर, हमारे घर के नज़दीक होती है, हमारे घर के पास होती है. एंड सम आर फॉर, और कुछ ऐसे प्लेसेस होते हैं जो हमारे घर से दूर होते हैं. वी गो टू द स्कूल, जैसे कि हम स्कूल जाते हैं. विजिट रिलेटिव्स, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं. गो टू द मार्केट, बाजार में जाते हैं. रेस्टोरेंट में जाते हैं. तो ये सब क्या हो जाता है, ये सब ट्रेवल कहलाता है. ठीक है, आप जैसे स्कूल जाते हो ना, अपने घर से स्कूल जाते हो और फिर स्कूल से घर जाते हो, तो ये क्या कहलाता है, ट्रेवल कहलाता है. एंड आवर पेरेंट्स गो टू द ऑफिस एवरी डे, और यहाँ तक कि हमारे जो पेरेंट्स हैं ना, हमारे मम्मी पापा जो हैं, जो जॉब करते हैं, वो भी पर डे ऑफिस जाते हैं. सम पीपल ट्रेवल लॉन्ग डिस्टेंसेस, लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं ना, कुछ लोग बहुत लंबे डिस्टेंस, बहुत लंबी दूरी भी ट्रेवल करते हैं. यानी उनको अगर बहुत दूर जाना है तो वो ट्रैवल करते हैं. तो वी ट्रैवल ऑन फुट टू नियर बाई एरियाज, यानी अगर हमको अपने घर के नज़दीक, अगर हम अपने घर के पास में कहीं जा रहे हैं, हमारे घर के नज़दीक कोई जगह है, तो हम अधिकतर क्या करते हैं, ऑन फुट, पैदल जाते हैं. ओके, एंड वी यूज़ वेरियस टाइप्स ऑफ व्हीकल, और इसके अलावा हम कई तरह के व्हीकल का यूज़ करते हैं. कब, टू रीच फॉर ऑफ प्लेसेस, जब हमें दूर जगहों पर जाना होता है. यानी अगर हम घर के नज़दीक जा रहे हैं तो हम ऑन फुट या वॉक करके चले जाएंगे, लेकिन अगर हमको थोड़ा दूर जाना है, जो जगह थोड़ी दूरी पे है या काफ़ी दूर है, तब हम व्हीकल का यूज़ करते हैं. जैसे कि किस टाइप के व्हीकल का यूज़ करेंगे, ऑटो रिक्शा का यूज़ करेंगे, बस का यूज़ करेंगे, कार का यूज़ करेंगे, ट्रेन, एरोप्लेन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. ओके, तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ व्हीकल का यूज़ करते हैं हम, कब, जब हमको फॉर ऑफ प्लेसेस पर जाना होता है. नेक्स्ट है रीजंस फॉर ट्रैवलिंग, आखिर हम ट्रैवल क्यों करते हैं, क्या ज़रूरत है हम एक जगह से दूसरी जगह तक जाने की. सो स्टूडेंट्स, पीपल ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर फॉर वेरियस रीजन, अलग अलग वजह से लोग ट्रैवल करते हैं. जैसे फर्स्ट क्या है, टू गो टू देयर प्लेस ऑफ वर्क, पहला तो जहां वो काम करते हैं वहां पे जाते हैं. जैसे कि मान लीजिए आपके फादर हैं, वो कोई ना कोई जॉब करते होंगे, तो उनको वहां जाना रहता है ना, तो पर डे एवरी डे जाते हैं. तो एक तो हो गया कि काम करने के लिए जाना पड़ता है, दूसरा है टू गो टू द मार्केट टू बाई थिंग्स, इसके बाद हमको बाज़ार भी जाना पड़ता है चीज़ों को खरीदने के लिए. मान लीजिए वेजिटेबल खरीदनी है, क्लॉथ्स खरीदने हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मार्केट से जाके हमको खरीदनी पड़ती हैं, तो इसलिए भी हमको ट्रैवल करना पड़ता है. नेक्स्ट है टू गो टू अदर प्लेसेस इन द नेबरहुड, इसके अलावा हम अपने पड़ोस में भी जाते हैं जगहों पर. जैसे मान लीजिए किसी के यहाँ कोई पार्टी है, कोई पूजा है, तो भी हमको जाना पड़ता है. नेक्स्ट है टू मीट फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, इसके अलावा हम अपने दोस्तों से भी मिलने जाते हैं, अपने रिश्तेदारों से भी मिलने जाते हैं. ओके, नेक्स्ट है टू विजिट फॉर ऑफ प्लेसेस ड्यूरिंग हॉलीडेज, यहाँ तक कि जब गर्मी की छुट्टियाँ पड़ती हैं या कोई और छुट्टी पड़ती है, तो भी हम दूर जगहों पर घूमने के लिए जाते हैं. जैसे आप भी हैं, गर्मी की छुट्टियों में आप कहीं ना कहीं दूर जाते होंगे घूमने के लिए. नेक्स्ट है फॉर वेरियस रिलीजियस एंड सोशल एक्टिविटीज़, इसके अलावा बहुत सारे धार्मिक कार्यों के लिए और सामाजिक जो एक्टिविटीज़ होती है, सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं, उसके लिए भी एक जगह से दूसरी जगह तक लोग ट्रैवल करते हैं. नेक्स्ट है फॉर प्लेजर, या लोग अपने खुशी के लिए भी, अपने इंजॉयमेंट के लिए भी लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाते हैं. तो हियर आर वेरियस रीजन फॉर द
ट्रेवल. ओके, नेक्स्ट है हमारा मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट रिफर टू वेरियस व्हीकल. मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होता है ना, वो बहुत तरह के जो व्हीकल होता है ना, उनको रिफर करता है. दैट ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जो लोगों को यानी पीपल को और गुड्स यानी सामान को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाते हैं. तो डिफरेंट टाइप ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं. देयर आर अ वैरायटी ऑफ सच व्हीकल. यहाँ पर कुछ वैरायटी दी गई है किसकी, व्हीकल की, गाड़ियों की. गाड़ी एक ही तरह की तो होती नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ व्हीकल होते हैं. जैसे मान लीजिए कार, बस, स्कूटर, ट्रेन, ऑटो रिक्शा, रिक्शा एक्सेट्रा. दे हेल्प अस टू मूव फास्टर एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंसेज. और ये जो व्हीकल होते हैं ना, ये क्या करते हैं, मूव फास्टर, तेज़ी से चलते हैं एंड कवर लॉन्ग डिस्टेंस, और लंबी दूरी को जल्दी से कवर करते हैं. ओके स्टूडेंट्स, जैसे फर्स्ट जो हमारा ट्रांसपोर्ट है उसको हम कहते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट. लैंड ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, टू ट्रेवल डिस्टेंसेज ऑन लैंड. यानी हमको अपनी अर्थ पे, अपनी लैंड पे, अपनी धरती पर अगर डिस्टेंस को कवर करना है तो वी यूज़ रिक्शा. या तो हम रिक्शा का यूज़ करते हैं, बाइसाइकिल, साइकिल का यूज़ करते हैं, स्कूटर का यूज़ करते हैं, बसेस का यूज़ करते हैं, मोटरसाइकिल्स का एंड कार्स का यूज़ करते हैं. एंड वी कैन आल्सो मूव गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय रोड विद द हेल्प ऑफ ट्रक. इसके अलावा अगर एक जगह से दूसरी जगह तक हमको सामान पहुंचाना है, गुड्स को पहुंचाना है, तो भी हम किसका यूज़ करते हैं, रोड के थ्रू. किस चीज़ का ज़्यादा यूज़ होता है, ट्रकों का. यानी ट्रकों में क्या होता है, जो सामान होता है वो लोड होके आता है और हम तक पहुंचता है. बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारी कंट्री, हमारे क्या कहते हैं, सिटी में नहीं होती है, वो दूर दूसरी सिटी से ट्रांसपोर्ट होती है, हम तक पहुँचती है. तो वो जो गुड्स होता है, मटेरियल होता है, वो किस में आता है, ट्रकों में आता है, तो हम तक पहुंचता है. तो लैंड ट्रांसपोर्ट के बहुत सारे उदाहरण यहाँ आप देख रहे हैं, कौन कौन से हैं, जैसे कि कार, बस, मोटरसाइकिल, स्कूटर, रिक्शा, ट्रक. ठीक है, तो ये सब क्या है, लैंड ट्रांसपोर्ट है. इसके अलावा लैंड ट्रांसपोर्ट में आपका ट्रेन हो सकता है, ऑटो रिक्शा हो सकती है. ठीक है, तो डिफरेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. सो स्टूडेंट्स, That's all for today's EVS class, and we will meet again in the next video. Till then, stay home, stay safe, and thanks for watching.